तो मूवी की शुरुआत होती है रात के समय में, जहां पर हम एक मार्केट वाले एरिया को देख पाते हैं जो कि फिलहाल बंद हो गया था। और मार्केट में हम एक भिखारी को देखते हैं जो कि घूम घूम कर सोने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है। और जगह ढूंढते हुए वो एक बिल्डिंग के सुनसान ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां पर कोई भी नहीं था। वो सोने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से उसके ऊपर दो मॉन्स्टर्स या फिर गोल्स हमला कर देती हैं और वो उसको चीर फाड़ कर खा जाती हैं। फिर उस आदमी को खाने के बाद में वो दोनों बिल्डिंग के लिफ्ट वाले सेक्शन में जाकर सो जाती हैं। ये दोनों मॉन्स्टर्स या फिर गोल सगी बहने हैं और सालों से इसी तरह से वो छुप कर गुजारा कर रही हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लिन नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसे क्लास के बच्चे टीचर के सामने ही जलील कर रहे थे। लिन पर आरोप होता है कि उसने क्लास के द्वारा जुटाए हुए फंड को चुराया है, क्योंकि पैसों की चोरी के बाद जब क्लास की चेकिंग हुई थी तो लिन के बैग से वो लिफाफा मिला जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे। लिन बार बार ये कहता है कि उसने कोई भी पैसे नहीं चुराए, लेकिन टीचर उस पर विश्वास नहीं करती और ना ही क्लास के बच्चे। अब स्कूल खत्म होने के बाद में हम देखते हैं कि लिन एक बंकर हाउस पर जाता है जिसे क्लास के चार बदमाश बच्चे चलाते हैं। इन बच्चों का नाम है तुवान और उसकी गर्लफ्रेंड वो, और साथ में तुवान के दो दोस्त लिया और वीचू। तुवान क्लास गैंग का लीडर है और वही लिन को सबसे ज्यादा बुली करता है। अब बंक हाउस के अंदर हम देखते हैं कि लिन उन चारों बच्चों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि पैसे तुमने ही चुराए हैं, और फिर आरोप मुझ पर लगा दिया। तो अब तुवान लिन के पास आता है और अपनी पॉकेट से सारे पैसे निकाल कर कहता है कि हाँ, मैंने ही पैसे चुराए थे, तो अब बताओ कि क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा। अब ये कहकर वो चारों बच्चे लिन के साथ मारपीट करने लगते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं कि लिन क्लास टीचर के पास में जाता है और उसे अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग सुनवाता है। असल में लिन जब बंक हाउस में गया था तब उसने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी ताकि वो तुवान के मुंह से बोली हुई सच्चाई को रिकॉर्ड कर पाए। लेकिन यहाँ पर भी टीचर लिन पर विश्वास करने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि ये उन्हीं क्लास के बच्चों की आवाज है। अब इस बात को सुनते ही लिन टीचर पर गुस्सा हो जाता है और तब टीचर कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम सब बच्चों का आपस में क्या डिस्प्यूट है, मगर मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम नई शुरुआत कर सकते हो। अब टीचर लिन को क्लास में ले जाती है और बच्चों के सामने कहती है कि लिन ने पैसे चोरी करने की गलती को एक्सेप्ट कर लिया है और अब हम लिन को सजा के तौर पर एक कम्युनिटी असाइनमेंट पूरा करने के लिए कहेंगे और फिर उसको माफ कर देंगे। अब कम्युनिटी असाइनमेंट में लिन को स्लम एरिया में जाना है और कुछ लाचार लोगों को खाना खिलाना होगा। और इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए टीचर कहती है कि हमें भी लिन की मदद करनी चाहिए। और अब टीचर तुवान, लिया और वीचू को लिन के साथ असाइनमेंट को पूरा करने के लिए कहती है ताकि ये सब करीब आकर अपने डिस्प्यूट को भुला दे, जो कि टीचर की तरफ से एक बहुत ही बैड मूव था। यानी कि जो बच्चे उसको बुली किया करते थे उसी के साथ में उनको जोड़ दिया। खैर, अब आगे हम देखते हैं कि शाम को ये चारों लड़के असाइनमेंट पूरा करने के लिए स्लम एरिया में चले जाते हैं और यहाँ पर लिन तो अच्छे से सभी लाचार बूढ़ों को खाना खिला रहा होता है, लेकिन बाकी के तीन लड़के उन बूढ़ों के साथ में मस्ती करने लगते हैं और उनके सामने खाने को ले जाकर उन्हें खिलाने के बजाय उनको ललचाते हैं। अब इस सस्ती मस्ती को देखकर लिन को भी काफी मजा आता है और वो भी उनको ज्वाइन कर लेता है और इस तरह से लिन उन तीनों लड़कों के साथ घुल मिलकर उनका नया दोस्त बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो चारों लड़के मस्ती करते करते एक बूढ़े आदमी के घर में पहुंच जाते हैं जहां पर वो बूढ़ा आदमी बिना कोई हरकत किए बस एक जगह पर बैठा हुआ था। और अब मौका पाकर वो चारों लड़के रूम की तलाशी लेने लगते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें कोई वहां पर कीमती चीज मिल जाएगी। और इसी छानबीन के दौरान उन्हें एक बंद संदूक मिलता है जिसको देखकर लगता है कि इसके अंदर कोई कीमती चीज होगी। फिर वो प्लान बनाते हैं कि हम रात को 1 बजे यहां पर दोबारा आएंगे और इस संदूक को चोरी करके ले जाएंगे। फिर जब वो रात को दोबारा आते हैं तो देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अपने रूम में खड़ा हो चुका है, मगर अभी भी वो कोई हरकत नहीं कर रहा था। और तभी वो आराम से बॉक्स को उठाते हैं और उसको ले जाने लगते हैं। फिर जब वो कॉरिडोर से जा रहे होते हैं तभी उनकी फ्लैश लाइट की रोशनी उन्हीं दो गूस पर पड़ जाती है जिनको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और वो दोनों फिर से किसी आदमी को मार कर खा रही थी। और जब उन पर फ्लैश लाइट की रोशनी पड़ती है तो उसमें से एक मॉन्स्टर या फिर गूल डर के भाग जाती है और दूसरी वाली उन लड़कों को मारने के लिए उनका पीछा करने लगती है। मगर जब वो गूल पीछा करते हुए रोड पर पहुंचती है तो उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर वो जख्मी हो जाती है। अब इस जख्मी हालत में भी वो गूल एक लड़के पर हमला करती है और तब मजबूरन एक फावड़े से तुवान को उस गूल को मारना पड़ता है जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब उस गूल को मारने के बाद में वो चारों नोटिस करते हैं कि ये सारा हादसा रोड पर लगे हुए कैमरा के अंदर कैप्चर हो गया था, इसलिए अब वो उसे वहां पर छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि अगर सुबह इन्वेस्टिगेशन हुई तो उनके चोरी की सारी पोल खुल जाएगी। फिलहाल अभी तक उन चारों लड़कों को ये बात मालूम नहीं थी कि वो गूल है, वो उसको कोई फीमेल ही समझ रहे थे जो कि यहाँ पर कैनिबलिज्म कर रही थी। खैर, वो लड़के उस गूल को उठाकर अपने बंक हाउस पर ले जाते हैं जहाँ पर वो गूल कुछ देर बाद होश में आ जाती है। अब होश में आने के बाद में वो बेहद ही अजीब ढंग से खड़े होकर दीवार पर चढ़ जाती है और ये देखकर उन लड़कों को पता चल जाता है कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है और वो सभी डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। मगर यहाँ पर उन लड़कों को गूल की एक कमजोरी पता चलती है कि वो धूप की रोशनी को नहीं झेल सकती। तब इस बात का फायदा उठाकर वो एक मिरर की मदद से धूप की रोशनी को गूल की तरफ
रिफ्लेक्ट करवाते हैं और मौका पाकर उसको जंजीरों से बांध देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि तुआन ये सब बात अपनी गर्लफ्रेंड वू को भी बता देता है और फिर वो सब मिलकर गूल को टॉर्चर करते हैं और याद के तौर पर वो उसके एक दांत को भी उखाड़ कर अपने पास रख लेते हैं। और अब वो गूल किसी को अनजाने में काट न ले, इसलिए वो सब मिलकर उसके मुंह को एक लोहे की प्लेट और स्क्रू से सील कर देते हैं, जो कि देखने में काफी पेनफुल लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गूल की बड़ी सिस्टर बहुत तकलीफ में है और वो हर कीमत पर अपनी बहन को ढूंढना चाहती है, जिसके चलते अब वो मेन सिटी में आ जाती है। फिर हम वापस छोटी गूल को देखते हैं जो कि अब भूख की वजह से कमजोर पड़ती जा रही थी और वो मर ना जाए इस बात को लेकर लिन काफी चिंतित रहता है। यानी कि वो बुली गैंग में आ तो गया था लेकिन अंदर से वो अभी भी अच्छा था। अब क्योंकि लिन ही उस गूल को लेकर ज्यादा चिंता दिखा रहा था, इसलिए गैंग के मेंबर्स लिन से जबरदस्ती उसका खून निकलवा लेते हैं ताकि वो जो गूल है वो उसके खून पर फीड कर पाए और उसे मरने से बचा पाए। इस तरह से सब कई दिनों तक गूल को बंदी बनाकर रखते हैं और उसे मरने भी नहीं देते। अब अपना खून पिला पिला कर लिन भी काफी कमजोर फील करने लगा था और साथ ही साथ वो उस गूल की कंडीशन को भी देखकर बहुत बुरा फील करता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम सभी लड़कों को स्कूल में देखते हैं। अब क्लास के दौरान एक लड़का लिन को बुली करता है और ये सब देखकर क्लास के सभी बच्चे उस पर हंसते हैं, मगर इस बार तुआन लिन पर नहीं हंसता क्योंकि अब लिन उसके ग्रुप का मेंबर है। इसलिए वो लिन की बेइज्जती को अपनी बेइज्जती मानता है और फिर तुआन उस लड़के के पास जाता है जिसने लिन को बुली किया था और वो उसे इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। अब ये सब देखकर क्लास की टीचर उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और पेरेंट्स मीटिंग में वो सबके सामने तुआन को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारती है, जिससे कि तुआन के मन के अंदर टीचर को लेकर बदले की भावना पैदा हो जाती है। अब वो गूल के पास जाता है और उसका थोड़ा सा खून लेकर स्कूल आ जाता है और उसे टीचर के वाटर बॉटल में मिला देता है। तुआन का ये मानना था कि अगर टीचर गूल का ब्लड पी लेगी तो वो भी वही बन जाएगी और जैसे तुआन ने सोचा था वैसा ही होता है। उस पानी के अंदर मिले हुए खून को पीने के बाद में टीचर की तबीयत खराब होने लगती है और थोड़ी देर बाद वो गूल बन जाती है, जिसके चलते वो दिन की धूप को नहीं झेल पाती और जलने लगती है। और ये देखकर तुआन को बहुत मजा आता है और फाइनली उसको सुकून मिल जाता है। इस हादसे से कुछ टाइम पहले ही लिन को तुआन की एक बात पता चलती है कि तुआन ने उस स्कूल के लड़के को इसलिए नहीं मारा था कि वो लिन की चिंता करता है, बल्कि इसलिए मारा था क्योंकि तुआन का मानना है कि उसके अलावा लिन को कोई और नहीं मार सकता, जैसे कि लिन उसका कोई पालतू हो। और ये बात जानने के बाद में लिन के मन में तुआन को लेकर जो दोस्ती की भावना थी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि लिन किसी का पालतू बनकर नहीं रहना चाहता था। खैर, अब आगे हम देखते हैं कि एक शाम को जब स्कूल बस सभी बच्चों को उनके घर छोड़ रही होती है, तभी वो दूसरी वाली गोल यानी कि उसकी बड़ी सिस्टर बस अंदर आ जाती है और वो के पास अपने सिस्टर के दांतों से बने हुए ब्रेसलेट को देख लेती है और ये देखने के बाद उस गोल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो समेत बस के सभी बच्चों को जान से मार देती है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि जो कुछ किया है इसी स्कूल के बच्चों ने किया है और वो सबको ही मार रही थी। तो मतलब यहाँ पर उस गोल की बहन ने खून की नदी बहा दी थी। खैर, अब अगले दिन हम देखते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की वजह से तुआन बहुत गुस्से में होता है और बदले की आग में वो उस छोटी गोल के सारे दांत उखाड़ देता है। खैर, अब वो प्लान बनाता है कि अब वो ट्रैप बिछाकर दोनों गूल्स को जान से मार देगा, जिसके लिए वो सबसे पहले बंदी हुई गूल के रोने की आवाज को रिकॉर्ड करता है और शाम को वो जगह जगह पर उस रिकॉर्डिंग को लाउड स्पीकर पर बजाकर छोड़ देता है और साथ ही साथ वो गूल के ब्लड से कुछ निशान भी बनाते हैं जिसे ट्रेस करते हुए दूसरी गूल बंक हाउस तक पहुंच सके। फिर हम देखते हैं कि उन निशानों को ट्रेस करते हुए बड़ी गूल बंक हाउस तक पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचते ही वो सबसे पहले विजू को मार देती है, जो कि पानी के टैंकर में छुपा हुआ था। यहां पर उससे गलती ये हो गई थी कि उसने अपने फोन को साइलेंट नहीं किया था और जब वो टैंकर में छुपा हुआ था तभी उसका फोन बज जाता है और गूल को उसके लोकेशन का पता चल जाता है। अब विजू की मौत से लिया के अंदर आक्रोश आ जाता है और वो सोचता है कि वो अकेले ही गूल को मार देगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती होती है। वो गूल लिया को भी एक चुटकी में मसल कर खत्म कर देती है। अब तुआन भागता हुआ बंक हाउस में घुसने की कोशिश करता है, मगर लिन ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था और अब वो गेट खोलने को राजी ही नहीं होता। तुआन उसको बार बार बोलता है कि गेट खोल दो मेरे भाई, हम तो अब दोस्त हैं, और उसके जवाब में लिन कहता है कि नहीं, हम दोस्त नहीं हैं, तुम सब बस मेरा फायदा उठाना चाहते थे और इसलिए ही तुम सब ने मुझे अपने साथ रखा। अब ये बातें चली रही होती हैं कि तभी तुआन की चीखने की आवाज आती है, जिससे पता चलता है कि गूल ने उसको भी खत्म कर दिया है। अब लिन भागता हुआ बंधी हुई गूल के पास जाता है और उसको कहता है कि मैंने तुमको हमेशा बचाने की कोशिश करी है, तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी सिस्टर को कहो कि वो मुझे ना मारे। मगर ये सब बात उस गूल को समझ नहीं आती क्योंकि वो इंसानी भाषा नहीं जानती थी और जैसे ही वो गूल अपनी बड़ी सिस्टर को देखती है तो रोने लगती है, जिससे बड़ी बहन को लिन पर और गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि लिन ने भी उसको सताया है और फिर वो उसको मारने लगती है। अब इस लड़ाई के दौरान लिन सोचता है कि अब इन गूल्स को मुक्ति देने का वक्त आ चुका है क्योंकि वो एक टाइम पर इंसान थी। जी हाँ, और यहाँ पर मैं
इंसान इनको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिन ने इनके ऊपर रिसर्च करी थी और वो पाता है कि 1985 में ये दोनों बहनें ही गायब हो गई थी। अब इनके जो माता पिता थे वो ब्लैक मैजिक किया करते थे और वो कोई रिचुअल कर रहे थे जो कि उल्टा पड़ गया था, जिसके चलते ये दोनों बहनें ही गुल बन गई और इन्होंने ही अपने माँ को खत्म कर दिया था। और तभी होता यह है कि वो खिड़की का पर्दा हटा देता है जिससे बाहर की रोशनी बंधी हुई मॉन्स्टर यानी कि छोटी गुल पर पड़ जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। फिर उसकी बड़ी बहन उसको बचाने के लिए उसे अपनी बॉडी से ढक लेती है और तब रोशनी की वजह से वो दोनों गुल्स जलकर मारी जाती हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि लिन के पास अभी भी थोड़ा सा गुल वाला खून था और वो उसे अपने पास रख लेता है क्योंकि तुवान को धोखा देने के बाद वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था और साथ ही साथ वो स्कूल के उन सभी बच्चों से बदला लेना चाहता था जो कि उसको बुली किया करते थे। खैर अब लिन उस खून को स्कूल ले जाता है और क्लास के पीने वाले पानी में मिला देता है। जी हाँ, ये बहुत ही ग्रूसम काम उसने किया था। और फिर हम देखते हैं कि लंच के बाद जब सभी बच्चे धूप में आते हैं तो वो जलकर मरने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद में लिन भी जलकर मारा जाता है क्योंकि लिन ने भी वो पानी खुद पिया था और वो इस गिल्ट के साथ में जिंदगी भर नहीं रह सकता था कि उसने किसी को धोखा दिया है, इसलिए लिन ने भी उस पानी को पिया और अपनी जान दे दी। अब होता यह है कि जो गुल का खून था उसके अंदर कोई भी RBC नहीं थे यानी कि रेड ब्लड सेल्स नहीं थे और वो जैसे ही इंसानी खून के कॉन्टेक्ट में आया करते थे वो यहाँ पर पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाया करते जिससे कि वो धूप में आते ही ब्लास्ट होते थे और इसकी वजह से सारे के सारे बच्चे और सब लोग मारे जाते हैं। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मोन 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 मॉन्स्टर मूवी कहानी जो कि एक ताइवानी हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।